हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गीता और आज मैं बनाने वाली हूँ शंकर पारा। इसको मराठी में शंकर पाड़े बोलते हैं। तो चलिए आज मैं बनाऊँगी, सो आप मेरे साथ बने रहिए। तो मैंने लिया है मैदा। मैदे में मैंने भुना हुआ जीरा डाला है, गरम किया हुआ ऑयल डाला है और मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा खाने का सोडा डाला है। इसको अच्छे से गूंद लेंगे हम। ये अच्छे से गूंद चुका है, अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी मोटी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से बेल लूँगी। इसको थोड़ा मोटा ही रखना है ताकि हमारे जो शंकर पारे हैं वो अच्छे से फूले। शंकर पारा सबको बहुत पसंद होता है और ये नाश्ते में आराम से खा सकते हैं हम। और ये बहुत ओकेजनल फूड है जो हम बनाते हैं, दिवाली में काफ़ी बनते हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। इसको मैंने काजू कतली टाइप शेप दिया है, इसके छोटे छोटे आकार में टुकड़े कर देंगे हम और इसको हम अब तलेंगे। ऑयल गरम है और इसमें मैंने इसको डाल दिया है। इसको धीमी आंच पे अच्छे से तले। थोड़े रेडिश आने के बाद हम इसको निकालेंगे। ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ये रेडी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।